गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और सनातन धर्म में गुरु की महिमा का वर्णन अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। आपको बता दें, इसी दिन वेदों को विभाजन और पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। इसी दिन व्यास जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। संस्कृत में गु अर्थ का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान, और रू का अर्थ होता है प्रकाश यानी कि ज्ञान। तो इसका पूरा अर्थ है, गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु को महत्व देने के लिए ही महान गुरु वेद व्यास जी की जयंती पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन आपको बता दूं, भगवान शिव द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया गया था। इस दिन कई महान गुरुओं का भी जन्म हुआ था और बहुतों को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन आपको बता दें, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। और आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, यह पहले जून से जुलाई के बीच में ही आता है। इस वर्ष 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है। इस पर्व को हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं। माता और पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, पर गुरु जो है वो सभी को अपने बच्चों के समान मानकर ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु और शिक्षकों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। आपको बता दें, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। गुरु की महत्ता को महत्व देते हुए प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया है। इसलिए एक व्यक्ति गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाता है। गुरु मंद बुद्धि शिष्य को भी एक योग्य व्यक्ति बना देते हैं। संस्कार और शिक्षा जीवन का मूल स्वभाव होता है। इनसे वंचित रहने वाला व्यक्ति बुद्ध होता है। गुरु के ज्ञान का कोई तोल ही नहीं है। हमारा जीवन गुरु के अभाव में शून्य होता है। गुरु अपने शिष्यों से कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य सभी का कल्याण ही होता है। आपको बता दें, ज्ञान अर्जित करने, सुखमय जीवन की कामना और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन को खास माना गया है। और इस बार गुरु पूर्णिमा का महापर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 3 जुलाई को पड़ रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप किस तरह पूजा करें, आपको मैं बताऊंगी, और इसकी क्या व्रत कथा है यह भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करें, या अगर आपके आसपास आप गंगा जी हैं तो आप वहां स्नान कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर नहाने के बाद आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। और पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति भी मिलती है। आपको बताएं, गुरु पूर्णिमा की जो कथा है
वो महर्षि वेद व्यास जब बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास के हट पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब तक घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या के लिए वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना कर डाली। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। संसार में गुरु के स्थान का आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा महत्व तो होता ही है, मैं बार बार यह बता भी चुकी, लेकिन गुरु अपने सच्चे निष्ठावान दृढ़ धर्मज्ञ शिष्य को सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवा कर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं, उसे अज्ञान के घोर अंधकार से निकालकर सही पथ की ओर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु पूजा, गुरु और गुरु से दीक्षा विश्व भर में विख्यात है और इसके लिए गुरु पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ दिन है। कहा जाता है दोस्तों कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं है ठौर, यानी इसका अर्थ है कि ईश्वर की अवज्ञा से मनुष्य को दंड भुगतना पड़ सकता है। ऐसी विषम स्थिति में मानो अपने ज्ञानी गुरु को अवज्ञा का कारण बताकर उसके प्रकोप को कम करने का रास्ता पूछ सकता है। गुरु की शरण में जाकर मनुष्य ईश्वर को मानने का रास्ता खोज लेगा, लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो उसके प्रकोप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी स्थिति में गुरु की अवज्ञा से कहीं ठहराव नहीं हो सकता। और आपको एक जानकारी देती जाऊं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो सोमवार 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर 10:15 से 11:15 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर में 12:15 से 1:30 यानी 1:30 तक अभिजीत मुहूर्त है, या तो सबसे अच्छा मुहूर्त है। दोपहर के बाद शाम 4 से 6 तक का लाभ जो है वो अमृत का मुहूर्त है। अंत में एक बात कहूँगी, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। अंत में आप सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।